एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट तो आज हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरिक चेन रिएक्शन और हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स जो पॉलीमरिज चेन रिएक्शन में यूज होते हैं वो कौन कौन से वो भी आज हम देखेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो पॉलीमरिज चेन रिएक्शन में हम पॉलीमरिज चेन रिएक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हमें अगर कोई डी एन है अगर इसकी हमें न्यूमरस कॉपीज बनाना न्यूमरस कॉपीज़ बनाना है और अगर इसे एम्पलीफाई करना है बेसिकली तो हम पी का यूज़ करते हैं बेसिकली हम पीसीआर का यूज़ करते हैं क्योंकि पीसीआर रैपिड भी है वर्सेटाइल है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस हमें देती है इसलिए हम पॉलीमरे चेन रिएक्शन का यूज़ करते हैं अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने इन्वेंट किया था तो बेसिकली कैरी मुलिस ने ये पॉलिमरिज चेन रिएक्शन फॉर्मुलेट किया था इन द ईयर 1983 आ अब हम देखेंगे कि पॉलीमरिज चेन रिएक्शन का जनरल क्या है कैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म की जाती है तो बेसिकली कंसीडर कीजिए कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है मतलब इसके न्यूमरस कॉपीज बनाने उसकी स्टडी के लिए तो क्या किया जाता है तो बेसिकली पहले प्राइमर डिज़ाइन किया जाता है अब प्राइमर होते क्या है तो प्राइमर आर नथिंग बट शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस विच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए सो तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिस इज नथिंग बट द टेम्पलेट डीएनए अब प्राइमर कैसे डिजाइन किया जाए तो प्राइमर डिजाइन करने के लिए हमें पहले से ही ये जो टेम्पलेट डी ये टेम्पलेट डीएनए का थोड़ा सा सीक्वेंस तो भी पता होना चाहिए ताकि हमें हम प्राइमर डिजाइन कर सके ताकि ये जो प्राइमर है ये प्राइमर डीएनए को जाके बाइंड कर सके कॉम्प्लीमेंट्री हो सके उस डीएनए सीक्वेंस को इसलिए हमें थोड़ी सी तो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि है टेम्पलेट डीएनए अब होता क्या है ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये बेसिकली हम डी करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर अब डी नेचर होने के बाद हमें दो न, दो स्टैंड मिलेंगे डी एन ए के ये एक और ये एक और बाद में हमने प्राइमर डिज़ाइन किया था अब प्राइमर क्या करेगा ये प्राइमर इस डी एन ए को, को अटैच हो जाएगा जहाँ जा पर यह कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होगा जो जो प्राइमर का और टेम्पलेट डी एन ए का कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होगा वहाँ पर जाके प्राइमर अटैच हो जाएगा अब प्राइमर को लगेगा डी एन ए पॉलीमरेस ताकि वो डीएनए ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सके टेम्पलेट डीएनए से तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा तो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम डीएनए पॉलीमरेज टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा एक्सटेंशन करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा टेम्पलेट डीएनए को और हमें न्यूली सिंथेसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएगा तो ऐसे ऐसे ही करके हम दूसरे स्टैंड को भी यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लगेगा और यहाँ पे भी सिंथेसिस हो जाएगा और ये था जनरल मेकनिज्म ऑफ पीसीआर हाउ पीसीआर इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट डीएनए प्राइमर एंड टैग डीएनए पॉलीमरेज अब हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर टू परफॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो पहला कंपोनेंट जैसे कि हमने देखा वी रिक्वायर अ प्राइमर उसके बाद हमें क्या चाहिए था टेम्पलेट डीएनए टेम्पलेट डी एन ए के बाद हमें चाहिए था टैक डीएनए पॉलीमरेज और यू कैन से टैक पॉलीमरेज उसके बाद हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम आयन फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और हमें चाहिए होगा बफर ताकि जो भी ये रिएक्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में परफॉर्म की जाए इसलिए हमें चाहिएगा बफर और डीएन और डीएन सो so ये छः कंपोनेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी पॉलीमरे चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमर डिज़ाइन कैसे किया जाता है किसी भी टेम्पलेट डीएनए के लिए प्राइमर डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बाद हम इन डिटेल देखेंगे कि पॉलीमरेड चेन रिएक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कितने अलग अलग प्रकार के पॉलीमरिड चेन रिएक्शन होते हैं और एक बात ध्यान रखिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो थर्मोसाइकलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें परफॉर्म की जाती है i hope you have understood how poly, uh, the general mechanism of polymeric chain reaction and also basic components of polymeric chain reaction thank you and if you are new to my channel please like share and subscribe to my channel thank you